गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कारक विभक्ति। तो सबसे पहले हम पढ़ देखते हैं, चित्र देखिए और समझिए। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या है, वृक्ष हमारे मित्र हैं। वृक्ष पर पक्षी का घोंसला होता है, माली फूलों से माला बनाता है। इन वाक्यों में पर का से ऐसे चिन्ह हैं जिनसे वाक्यों का अर्थ समझ में आ रहा है। ये कारक चिन्ह है। तो आपने ये समझा कि कोई सेंटेंस जब हमारे समझ में आता है, अगर हम कहेंगे वृक्ष पक्षी घोंसला होता है तो ये अटपटा सा लग रहा है, लेकिन वृक्ष पर पक्षी का घोंसला होता है, पर और का शब्द से हमको बहुत अच्छे से लेसन समझ वाक्य समझ में आ रहा है, उसके अर्थ हम समझ जा रहे हैं। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं इनको व्याकरण की भाषा में कारक कहा जाता है और इनको हम कारक चिन्ह कहते हैं। तो इसके हम मीनिंग समझते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया अथवा वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, जो भी हम नाम लें या किसी के बारे में बोले, उसका जब दूसरे के संग संबंध जोड़ते हैं कि काम किसके संग हो रहा है या किसी वाक्य जिसके मिला के पूरा होता है उसके संग उसको जोड़ के वाक्य जब पूरा किया जाता है तो उससे हम कारक कहते हैं। जैसे आपने देखा वृक्ष एक संज्ञा है, पक्षी भी एक संज्ञा का नाम है, लेकिन पर और का जोड़ने से ये हमारा सेंटेंस पूरा हो रहा है। ऐसे यहाँ पे माली फूलों से माला बना, माली फूलों माला बनाता है, क्या फूलों माला बनाता है, तो इनकम्प्लीट लग रहा है, लेकिन से शब्द से कंफर्म हो जाता है कि फूलों से वो माला बना रहा। तो पर का से इस तरीके के जो संबंध शब्द जो वाक्यों में होते हैं, जो दो चीजों को जोड़ते हैं आपस में, वो कारक कहलाते हैं और इन्हें ही हम कारक चिन्ह कहते हैं। अब हम समझते हैं कि कारक चिन्हों की पहचान कैसे की जाती है और उनके कुछ नाम भी होते हैं। कारक चिन्हों की पहचान उनके चिन्हों से या अर्थ से होती है। कारक की जो पहचान होती है हम उनके चिन्हों से करते हैं या उसके अर्थ यानी मीनिंग से। कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। कारक जो चिन्ह हैं उनको विभक्ति भी बोला जाता है, कारक विभक्ति या परसर्ग, ये याद रखिएगा। जैसे बहुत चम्मच से खाता है, से हटाने पर बहुत चम्मच खाता है, चम्मच कोई खा सकता है लेकिन नहीं, लेकिन से शब्द जो है केवल एक से शब्द से क्लियर होता है कि जो भी चीज खा रहा है वो चम्मच से खा रहा है। अगर हम से शब्द को हटा देते तो अर्थ बिगड़ जा रहा है, बिल्कुल सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जा रही है। तो शब्दों की मीनिंग सही और वाक्यों का सही इस्तेमाल करते हैं कारक विभक्ति की वजह से। अब ये कारक कौन से होते हैं और उनकी विभक्ति क्या होती है। कारक होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इनके जो चिन्ह हैं, कर्ता ने यानी जो काम करता है उसका जो ने शब्द है वो उससे हम कारक विभक्ति में ने शब्द से उसका चिन्ह होता है ने। अभी आपको आगे समझाते हैं। फिर कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, ये देखो से द्वारा और से अलग होने, यहाँ भी से है, करण का भी से है और अपादान का भी से है। करण अपादान में क्या है, जब काम पूरा जो हो जाता है जिसकी साधन जिस सहायता से करते हैं, हम उसकी जैसे मैं पेन से आपको पढ़ा रही हूँ एक तरीके से, तो पेन के द्वारा मैं पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ आपको ये समझाने के लिए, तो ये तो द्वारा हो गया। लेकिन अपादान में ये से अलग होना, दो चीजें जब अलग हो जाती हैं, और हाथ से पेन गिर गया, तो मेरे हाथ में पेन था ये गिर गया यानी मेरे हाथ से अलग हो गया, तो ये अपादान। ये दोनों शब्दों को मीनिंग समझिए, यहाँ पे मैंने पकड़ा है तो मैं ऐसे करके आपको समझा रही हूँ, तो इसके द्वारा मैं आपको प्रदर्शित कर रही हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। ये तो हो गया करण, पेन से मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन अपादान में भी से है, आप कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे अलग होना। अगर मेरे हाथ से पेन ये अलग हो गया तो हाथ से पेन गिर गया, तो यहाँ पे मेरे हाथ से पेन नीचे गिर गया, तो ये अपादान करण कहलाता है। अगला है संबंध, का के की रा रे री, एक दूसरे दो चीजों को जोड़ने में जब संबंध होता है, एक दूसरे का दूसरे संबंध बताया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि मधु के पिता डॉक्टर हैं, तो किसके पिता, मधु के पिता हैं वो और वो डॉक्टर, तो इन दोनों का संबंध है आपस में। अधिकरण, मैं और पर, अधिकरण वो होता है जब शब्द के जिस रूप से काम के होने के स्थान का पता चले तो उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे अध्यापिका जी कुर्सी पर बैठी है, कहाँ पर बैठी है, कुर्सी में, या कुर्सी पर बैठी है। अभी आपने कहा पक्षी पेड़ पर पक्षी का घोंसला होता है, कहाँ पर होता है, अच्छी पर, तो वो चीज कहाँ पर है, जिसका जगह कहाँ पर है उसकी, उसका अधिकार कहाँ पर है, लोकेलिटी, वो होता है अधिकरण। संबोधन,
हे अरे, जब हम किसी को बोलते हैं या भगवान को याद करते हैं तो हम इस तरीके से वर्ड्स बोलते हैं, तो वो संबोधन में आते हैं। तो ये कहलाते हैं कारक, और ये इनके चिन्ह पहचान जो होती है वो इनके चिन्हों से पहचान की जाती है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण मैं और पर संबंध और संबोधन हे और हरे, ये हमारी कारक विभक्ति होती है। अब पहला इसमें है कर्ता कारक। काम एक्शन को करने वाला कर्ता कहलाता है, आपको पहले भी इस चीज को बताया था। जैसे बच्चा खेल रहा है, यहाँ पे कौन खेल रहा है? बच्चा, तो यहाँ कर्ता है बच्चा। अगला है कर्म कारक, कर्ता के काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, ये भी आपने पहले समझा है। सेफे दिव्या ने तोते को उड़ाया, किसको उड़ाया? तोते को। यहाँ कर्म तोता है, उसने काम किया तोते के साथ यानी तोते को उड़ा दिया। अगला हमारा है करण कारक, काम को पूरा करने में जो सहायता यानी साधन का इस्तेमाल करते हैं वह करण कारक होता है। जैसे बच्चा चश्मे से किताब पढ़ता है, किससे पढ़ता है? चश्मे से। यहाँ पढ़ाई करने में सहायक चश्मा करण कारक है, जिसकी सहायता से वो पढ़ रहा है। संप्रदान कारक, जिसके लिए काम किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए वो संप्रदान कहलाता है। जैसे माँ बेटी के लिए बस्ता लाई, माँ बेटी के लिए शब्द देखो, उसके लिए लेके आई है, उसके लिए कुछ कर रही है, तो उसको कहते हैं संप्रदान करना, किसी के लिए कुछ करना या किसी को कुछ देना। अपदान कारक, जहाँ से वस्तु अलग होती है वह अपदान कारक होता है। जैसे हाथ से पेंसिल गिरी, कहाँ से गिरी? हाथ से, तो अतः यहाँ हाथ अपदान कारक है। संबंध कारक, यहाँ दो के बीच संबंध बताया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे मधु के पिता डॉक्टर है, किसके? मधु के, यहाँ मधु संबंध कारक है। अधिकरण कारक, शब्द के जिस रूप से काम के होने के स्थान का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अध्यापिका जी कुर्सी पर बैठी है, कहाँ पर बैठी है? कुर्सी पर, तो यहाँ बैठने का स्थान कुर्सी अधिकरण कारक है। नेक्स्ट है संबोधन कारक, जिस शब्द से किसी वस्तु को पुकारा या बुलाया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम रक्षा कीजिए, यहाँ हे राम संबोधन कारक है। ध्यान देने योग्य बात है, अब आपने क्या देखते हैं, कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में को चिन्ह लगाया गया जाता है, किंतु दोनों में अंतर है। यहाँ किसी को कुछ दिया जाता है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है, और साक्षी ने फलों को काटा कर्म कारक, यहाँ साक्षी ने, किसने काटा? फलों ने, किसी के लिए कुछ किया नहीं, सीधे फलों को काटा। और दूसरा उसने पिताजी को फल दी, यहाँ पे तो काट के अपने आप काम किया, उसके बाद उसने किसी के लिए कुछ किया, अपने पिताजी के लिए किया तो पिताजी को दिया, तो यहाँ पे संप्रदान कारक, क्योंकि अपने पिताजी को दे रही है। किसी के लिए कुछ करना संप्रदान कारक कहलाता है, ये आपको ध्यान देना है। हमने सीखा वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कारक कहते हैं जो क्रिया या दूसरे शब्दों से संबंध बताता है, ये आपने सीखा। कारक की पहचान चिन्हों से और अर्थ से होती है। चिन्ह आपने देखा यहाँ पे को दो है, लेकिन अर्थ जहाँ पर उसके हिसाब से हम कारक कहते हैं, यहाँ पे भी को है, यहाँ पे भी को है, पर यहाँ कर्म कारक है क्योंकि साक्षी कर्म कर रही है और किसी के लिए नहीं कर रही, सीधे सीधे फलों को काट रही, लेकिन उन फलों को काट के बाद में उसने अपने पिताजी को दिया, तो को दिया, पिताजी के लिए काम किया, तो यहाँ पे संप्रदान कारक। तो अर्थों के हिसाब से को की मीनिंग हमने निकाली, तो एक में कर्म कारक और एक में संप्रदान कारक। कारक आठ होते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन। तो आपने कारक सीखे, इनको ध्यान से पढ़िए और समझिए। थोड़ा सा आपको देख लेते हैं कि क्या है, रंगीन शब्दों में कारक नाम बताइए। रामू ने कपड़े धो दिए, रामू ने शब्द है तो कर्ता कारक का नाम कर्ता कारक। पेड़ से पत्ते गिरते, पेड़ से अलग हो रहे तो अपादान कारक, अलग होना मैंने आपको बताया था। माँ ने पुत्र को पुस्तक दी, पुत्र को पुस्तक दी, पुस्तक को कुछ दिया तो संप्रदान, कुछ कर रही ना उसके लिए। मेरी कक्षा में 44 छात्र हैं, कहाँ पर हैं वो? अधिकरण कक्षा में आए, तो यहाँ पर अधिकरण कारक। माली ने फूलों से सुंदर माला बनाई, किससे माला बनाई? किसके द्वारा उसने माला बनाई है? फूलों के द्वारा माला बनाई है, तो इसमें क्या होगा? करण कारक, क्योंकि उसके द्वारा उसने काम किया। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और पाठ को समझिए।